नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। लगातार इस बात पर मुहर लगा रही है जदयू कि कोई भी इस सीएम की कुर्सी पर नीतीश के अलावा बैठने का हकदार नहीं है। लेकिन इस मामले में कहीं ना कहीं कल एक बड़ा ट्विस्ट आया जब उपेंद्र कुशवाहा ने मंच से ये बात कह दी कि कोई हम पर अनुकंपा नहीं कर रहा है। वहीं ललन सिंह ने भी स्पष्ट कर दिया कि भाजपा हो या कोई भी पार्टी हो, हालांकि उनका इशारा सीधे तौर पर भाजपा की तरफ था, अगर वो बिहार में अपना मुख्यमंत्री देने को लेकर सोच रहे हैं या ये सोच रहे हैं कि नीतीश कुमार को हटाकर और बिहार में किसी और को बना दिया जाएगा, तो ये संभव नहीं है। नीतीश कुमार की कुर्सी से हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, नीतीश कुमार के सम्मान से हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, क्योंकि बिहार जिस जमाने से पिछड़ापन और बहुत सारी कुरीतियां झेल रहा था उसको उबारने वाले नीतीश कुमार हैं। अब इस पूरे मामले पर जहां जदयू ने बिना मौसम बरसात करा दी, यानी भाजपा ने कहीं ऐसा मांग नहीं किया था कि उसे अपने यहां मुख्यमंत्री देना है, लेकिन ना ही भाजपा ने यह भी कहा था कि अनुकंपा पर नीतीश कुमार जी हैं, लेकिन इसके बावजूद मंच सजा हुआ था, नीतीश कुमार मौजूद थे, नेताओं ने नंबर बढ़ाने के लिए अपना नीतीश कुमार के समक्ष बहुत सारे बड़े बड़े दावे किए। लेकिन इन दावों की वजह से आज फजीहत हुई। फजीहत यह हुई कि भाजपा के नवल किशोर यादव जो MLC हैं, उन्होंने सामने आकर सार्वजनिक तौर पर यह बात कही कि हम नीतीश कुमार पर जब कुर्सी छोड़ने का दबाव नहीं बना रहे हैं तो फिर ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा इतना गर्मी किसको दिखा रहे हैं। वहीं बात रही अनुकंपा पर मुख्यमंत्री बनाने की, तो हमने तो कभी ये कहा ही नहीं है, और अगर हम नहीं कह रहे हैं तो फिर उनके मन में बेचैनी क्यों हो रही है, ये चोर की दाढ़ी में तिनका वाला परिस्थिति क्यों आ रहा है। वहीं जहां एक तरफ भाजपा ने बहुत शालीनता से इन सभी बातों का जवाब दिया है और ये भी कहा है कि नीतीश कुमार में उनकी आस्था है, 25 तक का कोई दिक्कत नहीं है, वहीं लोजपा रामविलास यानी चिराग पासवान की पार्टी इस मामले पर अपना स्टैंड बिल्कुल अलग रख रही है। उसके तरफ से उनके प्रवक्ता चंदन सिंह ने जो बयान दिया है वो ललन सिंह को अच्छा नहीं लगेगा, नीतीश कुमार को भी कड़वा लग सकता है। चंदन सिंह ने सीधे तौर पर कह दिया है कि नीतीश कुमार जी अनुकंपा पर मुख्यमंत्री थे और आज भी हैं। नीतीश कुमार जी जब भी मुख्यमंत्री बने हैं तो कोई ना कोई बैसाखी उन्हें मिली रही है, और आज ये सच्चाई है कि भाजपा के बैसाखी पर ही वो मुख्यमंत्री है, वरना तीसरे नंबर की पार्टी जिसके विधायकों की संख्या इतनी भी नहीं है कि वो विपक्ष में बैठ सके, वो सत्ता पक्ष में बैठकर अपना मुख्यमंत्री कैसे बना सकती है। और ये जो दावे ललन सिंह कर रहे हैं या उपेंद्र कुशवाहा कर रहे हैं, इन दावों की हकीकत उन्हें भी जांच लेनी चाहिए। इससे पहले भाजपा के नवल किशोर यादव ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि उपेंद्र कुशवाहा का तो पता ठिकाना है नहीं, हो सकता है 2025 तक वो कोई और पार्टी में चले जाएं या कोई और पार्टी बना लें। नीतीश कुमार का भी विरोध करने का उनका इतिहास रहा है। ऐसे में चंदन सिंह का जो हमला है वो कहीं ना कहीं भाजपा के पक्ष की तरफ से है। वहीं नीतीश कुमार पर वो बातें चंदन सिंह कह गए जो कि भाजपा के नेताओं ने नहीं कहा था, जिसका कहीं ना कहीं रिएक्शन दिया जा रहा था उपेंद्र कुशवाहा और ललन सिंह की तरफ से। देखिए इस बयान में क्या कुछ कह रहे हैं चंदन सिंह। देखिए, जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू बोलते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री किसी की कृपा पर नहीं है, कितना हास्यास्पद बात। भारतीय जनता पार्टी के अनुकंपा पे और आशीर्वाद पे ही बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है कि दोनों के विचार एक दूसरे से मिलते नहीं हैं, और बराबर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा जनता दल यूनाइटेड को एहसास कराया जाता है कि वो अगर सत्ता में हैं तो वह भारतीय जनता पार्टी की कृपा पर हैं। अब जनता दल यूनाइटेड के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से जातीय जनगणना की मांग की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने तो पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि वह जातीय जनगणना नहीं कराएगी। बिहार सरकार को अगर अपने खर्च पर कराना है तो करा ले, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को तो जातीय जनगणना पर राजनीति करना है, जातीय जनगणना कराना कहाँ है। एक दूसरे से विचार मिल नहीं रहे हैं, उसके बावजूद सत्ता में साथ में है, तो सहज समझना आसान है कि सत्ता की मलाई जो है वह खाना चाहते हैं एक साथ, लेकिन विचार नहीं मिलते हैं। जनता देख रही है और जनता इनके आईवास में आने वाली नहीं है। जनता जानती है कि एक दूसरे को नीचा दिखाने का एक भी अवसर भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के नेता नहीं छोड़ते हैं। आने वाले समय में आप देखिएगा यह झगड़ा और बढ़ेगा और बिहार में मध्यवर्ती चुनाव होंगे। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा,
ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।